أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون। अल्लाह ने कुरान शरीफ में बहुत जगह औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया है। औलिया अल्लाह के लिए कहा गया कि ना उनको खौफ है ना उनको मलाल है, और वो अल्लाह के वली हैं, मतलब बारे से अम्बिया हैं। जो नबियों के बाद हिदायत का सिलसिला है वो औलिया अल्लाह से है। तो औलिया अल्लाह में महबूब सुबहानी, क़ुतब रब्बानी, गौसु समदानी, मीरा मुहियुद्दीन, अबू मोहम्मद अब्दुल्क़ादर गौसु आदम जीरानी, हसनी व हसनी क़ब्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का जो शान है वो ऐसी शान है जैसे अम्बिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आप हसनी हुसैनी हैं, आप सैयदुस्सादात हैं, सैयदुलौलिया हैं, और वरसदार पंजतन हैं, और वारिस वरसदार 14 मासूमीन हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक आपकी गर्दन पे है, और आपका कदम मुबारक सारे वलियों की गर्दन पे है, और आप पंजतन के वारिस हैं, और आप अहल बैत अथार की इस कदर इज़्ज़त और मोहब्बत करते हैं, और इतनी अज़मत बताइए आपने। आपने फरमाते हैं कि कमीना खादिम खुदाम ख़ानदान तो अम, मैं ख़ानदान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीना खादिम हूँ। कमीना खादिम खुदाम ख़ानदान तो अम ज़े खादिमी तो दायम बुद मुबाहतम, और ये खादिमी बरकरार रहे इसके लिए दुआ करता रहता हूँ। यानी मैं अहले बैत अथार पंजतन पाक दवादा इमाम की इस ख़ानदान की का अदना कमीना खादिम हूँ, ये खादिमी बरकरार रहे इसके लिए दुआ करता रहता हूँ। और ये फरमाते हैं कि ज़ग़ैर आले नबी हाजत अगर तलब, अगर आला नबी का वास्ता दिए बग़ैर हाजत तलब करूँ, कोई दुआ मांगूँ, ज़ग़ैर आले नबी हाजत अगर तलबम रवा मदार यकी हज़ार हाजतम, एक हद से एक हज़ार अगर हाजात मांगूँ अल्लाह ताला तो इससे और आले नबी का वास्ता ना दूँ तो उसको कबूल ना करना। तो ये विरसदार पंजतन हैं, और ये ग़ुलामी पंजतन पे फ़ख्र कर रहे हैं, यही वारिस हैं, यही दोनों इमामैन की औलाद हैं, और इनका मर्तबा ये है कि सब वलियों का गर्दन पे इनका कदम है, और तमाम जहान में इनका फैज़ान जारी है। जब तक हज़रत इमाम मेहंदी आखिरज़मां का ज़हूर नहीं हो जाता, जब तक जो किसी को बग़ैर इमाम हज़रत गौसे पाक के विलायत नहीं मिल सकती, इरफान नहीं मिल सकता। गौसे पाक की सब वलियों पर हुकूमत है, और विलायत पंजतन पाक के सदक़े में गौसे पाक के वसीले से और फैज़ान से मिलती है। खानकाह आलिया नियाज़िया में क़ादरी गौसे पाक का ख़ास फैज़ान है। उस आप ये मैं बता दूँ, क़ुतुब आलम मदार आज़म नियाज़ बे नियाज़ हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला चिश्ती क़ादरी बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को मौला अली शेर खुदा ने आलम रोया में ख़्वाब में फरमाया था वलियों के दरबार में कि नियाज़ बे नियाज़ हमारा बेटा है, कोई इनसे गुस्ताखी करने की ज़रूरत ना करे। और हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ जब पैदा हुए थे और 4 महीने के थे, तो आपकी वालदा जो हज़रत बी शाह गरीब नवाज़ जो बहुत बड़े वलिया आरफा कामला हैं, उन्होंने बी सैदा के कदमों में रख दिया था। तो बी सैदा ने फरमाया था हमारा बेटा है। तो ये मौला अली और बी सैदा के जो बेटे हैं उन्होंने उनको बेटा फरमाया, तो उनके बेटे कौन हैं? हसनैन करीमैन हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि शाह नियाज़ बे नियाज़ की क्या शान है। और यही शान थी कि जब हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ चिश्ती सिलसिले में हज़रत मौलाना फ़खफ़ाक फ़खुद्दीन मोहम्मद अलवी उस मौलाना फ़खफ़ाक रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफ़ा और जानशीन और मरीद हैं, क़ादरिया सिलसिले में हुज़ूर गौसे पाक ने बिशारत दी नियाज़ बे नियाज़ को कि हम क़ादरी फैज़ान तुमसे तक पहुँचाना चाहते हैं, हमने बातिन में नियाज़ बे नियाज़ को अपना मुरीद और खलीफ़ा कर लिया है, और ज़ाहरी तकमील के लिए अपने औलाद ख़ास फ़र्जंद गौसे आज़म नायब गौसे आज़म सैयद अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी साहब रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका रामपुर शरीफ मदार शरीफ है उनको भेज रहे हैं। तो और यही बिशारत हज़रत मौलाना फ़खफ़ाक जो नियाज़ बे नियाज़ के चिश्ती सिलसिले के पीर थे उनको भी हुई, और हुज़ूर जब बगदादी साहब आ गए तो फिर बिशारत हुई। तो अब आप देखिए, एक पीर बगदाद से आ रहा है नियाज़ बे नियाज़ को मुरीद करने, एक पीर अपने सर पे मिठाई का खान लेके उनसे मुरीद कराने जा रहा है, क्योंकि हुक्म गौसे पाक का है और गौसे पाक सुल्तानुल औलिया हैं और सब वलियों के गर्दन पे उनका कदम है। तो ये है नियाज़ बे नियाज़ क्यों,
क्योंकि इनको मौला ने अपना बेटा कहा, अभी सैयदा ने अपना बच्चा कहा, बेटा कहा है। 16 और 17 तारीख जो है गौस पाक की विशाल का दिन है, और गौस पाक ने बिशारत दी ख्वाब में हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ को कि खानकाह आलिया नियाज़िया में मेरे नाम का मुझसे मंसूब करके चरागाह किया जाए, और जो इस चरागाह में चराग मन्नत का उठाएगा तो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला गौस पाक के करम से नियाज़ बिन नियाज़ के वसीले से उसकी जायज मन्नत 1 साल के अंदर पूरी कर देंगे, अल्लाह कर देगा। इसलिए हर मजहब व मिल्लत के हर फिरके का आदमी यहाँ आता है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन है। और इसलिए ये सिलसिला, इसकी भीड़ जो काफ़ी दूर तक, 2 दिन होता है, 1 दिन 16 को लेडीज़ का होता है गंदम खाने में, और दूसरे दिन खानकाह में लेडीज़ जेंट्स दोनों का होता है, और बेहिसाब दूर तक लाइनें लगी होती हैं। लोग हर अपना अकीदा, अपना फ़िरका, अपना मजहब भूल के दामन मकसूद को गौहर मुराद से भर के ले जाते हैं। दामन हज़ारों लाखों दामन फैले हुए होते हैं, गौस पाक का करम का दरिया बहता होता है। ना ये देखा जाता है कि लेने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वहाबी है, या शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, किसी फिरके का, किसी मजहब का, किसी मिल्लत का, किसी कौम का, किसी ज़ात का आदमी हो, जो दामन इस दर पे फैल गया अकीदत, सच्ची अकीदत के साथ, वो गौस पाक की करम से मन्नतों से भर दिया गया, उस गौर मुराद से भर दिया गया, तो हज़ारों दामन हर साल यहाँ पे फैलते हैं और वो अगले साल रोशनियों के शक्ल में नज़र आते हैं कि हज़ारों लोग जो चिराग, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो 1 चांदी का चिराग और 11 मिट्टी के चिराग, और मिट्टी के चिराग एक जो मन्नत वाला चिराग होता है उसमें देसी घी भर के, और चांदी के चिराग में देसी घी भर के, और 11 चिरागों में तेल भर के वो मन्नत पूरी की जाती है। जो हर साल चिराग हज़ार हों, लाखों चिराग रोशन होते हैं, वो इस बात का सबूत है कि लाखों मन्नतें पूरी हो गई, लाखों दामन गौर मुराद से भर गए, लाखों लोगों की बिगड़ियाँ बन गई, बे औलाद को औलाद मिल गई, बेरोज़गार को रोज़गार मिल गया, बीमार को सेहत मिल गई, और जिसकी ज़िंदगी कम रह गई थी उसकी ज़िंदगी की मुद्दत बढ़ा दी गई, जिसके कारोबार में सख्ती थी उसकी सख्ती दूर हो गई, जो जुर्म ख़ता सज़ा काट रहे थे उनको रिहाई मिल गई, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। और इसीलिए लोग दीवानावार मजहब की तमाम दीवारें फलांग के खानकाह नियाज़िया में आके चराग की लाज में लग जाते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। और ये सिलसिला नियाज़ बिन, और ये चिराग हमारे यहाँ कायदा ये है, ये चिराग खानकाह आलिया नियाज़िया के सज्जादा नशीन आली जनाब अलहाज हज़रत शाह मोहम्मद मेहंदी मियाँ साहब कबला मदज़ल्लाहुल आली सज्जादा नशीन खानकाह आलिया अपने हाथ से दुआ पढ़ के देते हैं और उसमें एक बताशा डाल के देते हैं, तब वो चिराग लोग मन्नत मानते हैं और उसके बाद अगले साल उसको पूरा करते हैं। तो ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह गौस पाक का ये फैज़ान नियाज़ बिन नियाज़ के वसीले से जारी और सारी है और रहेगा। रहम खाओ, 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ कि रहम खाओ कार्य रहमानी करो, रहम खाओ कार्य रहमानी करो, मुश्किलें हैं आके आसान नहीं करो, इम्तहान ने सख्त देना है मुझे, अब करम या शाह जीलानी करो, अब करम या शाह जीलानी करो। Hey।
چشمِ رحمت کا خوشا سوئے غریبا ہلا دے چشمِ رحمت آئے چشمِ رحمت با خوشا چشمِ رحمت آئے چشمِ رحمت با خوشا چشمِ رحمت با خوشا سوئے غریبا نظارِ لطف و کرم بدلے مردائے مر یک نظارِ لطف و کرم آئے یک نظارِ لطف و کرم آئے یک نظارِ لطف و کرم بدلے مردائے مر یک نظارِ پیرے پیران جہاں پیرے پیران جہاں مرشد پاک مدد پیرے پیران آئے پیرے پیران جہاں پیرے پیران آئے پیرے پیران جہاں پیرے پیران آئے پیرے پیران جہاں پیرے مرشد پاک مدد پیر آئے پیر پیران جا پیر پیران آئے پیر پیران جا پیر پیران جا مرشد پاک مدد اشرفی مددگر حالت پیر بادرت اشرفی مددگر حالت پیری بادرت دست پیری آئے دست پیری بے کنی دست پیری بے کنی حامی پیرا مدد دست پیری آئے دست تو بسد رنجو علم آزم بر دربا کہ تو بسد رنجو علم حاضرم بر دربا کہ تو بسد رنجو علم اے مسیحہ آئے اے مسیحہ اے زمان اے مسیحہ اے زمان ذکر سے غوثِ اعظم
जिक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किले, नाम से तेरे पाए रे हसीर, नाम से तेरे पाए रे हसीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर, तेरे ज़ेरे क़दम औलिया असफिया, सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन जिसे चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तू जिसे गौसे आज़म, तू जिसे चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तेरी बख्शिश ने बेनज़ीर, तेरी बख्शिश निरा लिया बेनज़ीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर, कुछ नहीं चाह कुछ नहीं चाहते और तेरे सिवा, कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के फकीर, कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर।